आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 11th अकाउंटिंग का टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में अच्छे से समझाया था। तो आई होप आप इस पार्ट को देखने से पहले वो पार्ट देख लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो इस पार्ट में मैं आपके लिए लेके आया हूं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का टॉपिक 2, जिसका नाम है अकाउंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कि जो अकाउंटिंग है, ये जो नाम पड़ा है, ये कौन कौन से अकाउंट के ऊपर नाम पड़ा है, और इसको हम अकाउंटिंग क्यों बोलते हैं। सो जाहिर सी बात है, अकाउंटिंग बोलने का जो एक मकसद है वो क्या है, इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे अकाउंट्स होंगे। अभी अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में इस क्लास में हम समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। सो अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है। इट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड। तो सबसे पहले ये जो अकाउंट होता है, किसी भी चीज का अकाउंट एक समराइज्ड रिकॉर्ड होता है। समराइज मतलब उसमें सभी चीजें नहीं लिखी होती है, बल्कि एक समरी बना दी गई होती है उस अकाउंट के नाम पर। Relating to a particular head at one place. So students, ये जो particular head at one place, इसका मतलब क्या है कि पहले तो हमको transactions को record करना है, main चीज तो ये होती है। क्योंकि accrual principle, accrual basis of accounting में क्या बोलते हैं कि जब भी कोई transaction हो उसको उसी समय record कर लो। अब दिन में तो 100 से भी ज्यादा transaction हो सकती है, किसी किसी company की तो 1000 transaction भी होती है। तो क्या उसको अलग अलग रिकॉर्ड करना पॉसिबल है? कहने का मतलब, मैं क्या शुरुआत में ही अलग कर सकता हूं कि कैश की ट्रांजैक्शन ये हुई है या क्रेडिट की इतनी ट्रांजैक्शन हुई है? ये स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, और समय के साथ सभी एंट्रीज को रिकॉर्ड करना जरूरी है, इसीलिए मैं रिकॉर्ड करूंगा ताकि कोई एंट्री छूट ना जाए। हालांकि उसको अलग से क्लासीफाई करके उसको समराइज करने का जो स्टेप होगा वो उसके बाद आएगा। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट उसमें यही है कि सबसे पहले तो आप रिकॉर्ड करो, उसके बाद उसको क्लासिफाई करो, और फिर उसको समराइज करो। ठीक है, तो बेसिक मैं सभी पॉइंट पे नहीं जाना चाहता, मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट पे जाऊंगा, तो यहीं तक ये पॉइंट्स है। सो रिकॉर्ड करने का मतलब है पहले जो जो होता जा रहा है उसको रिकॉर्ड करो अच्छे से, मतलब जर्नल एंट्री बनाओ उसकी सबकी। मान लो कि आपने सामान बेचा 10,000 रुपए का, लिख लिया। आपने 20,000 रुपए का सामान खरीदा, लिख लिया। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम को की पेमेंट की, लिख दी। आपने किसी को सैलरी दी, वो भी लिख दिया। तो एक दिन में आपने कई तरह की ट्रांजैक्शन की सब लिख दी। अब उसके बाद धीरे धीरे हम लोग ये छाटेंगे कि पूरे दिन में कैश कितनी बार गया, पूरे दिन में सैलरी कितने लोगों को दी, पूरे दिन में हमारे पास कोई इनकम अगर आई तो वो कितनी बार आई। ये सब हम बाद में करेंगे स्टूडेंट्स, और वो जो बाद वाली बात है उसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स अलग अलग अकाउंट्स बनाना। तो जितने भी एक ही तरह की, एक ही टॉपिक के अंदर आने वाली जितनी भी ट्रांजैक्शन रही होंगी ना, जो कि एक हेड मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ही टॉपिक के अंदर आने वाली ट्रांजैक्शन। अगर मान लेते हैं कि मेरा जो खर्चा है वो 10 बार हुआ, ठीक है, सैलरी दी, रेंट दिया, कुछ सामान मंगवाया, तो ये खर्चा ही है सब। तो ऐसे 10 बार पूरे दिन में मैंने देखा कि मेरा कैश जो है वो बाहर गया। तो कैश बाहर गया तो कैश अकाउंट बनाऊंगा, और कैश अकाउंट में ये दिखाऊंगा कि कितनी बार कैश बाहर गया। तो सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट में ये दिखाऊंगा। कैश अकाउंट बनाने का मतलब स्टूडेंट्स क्या है, इसको एक इमेजिनेशन वाले तरीके से समझो। देखो, कैश अकाउंट बनाने का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि आपको एक कमरे में बिठा दिया है जो कि पूरा कैश से भरा हुआ है। अब भाई वो शॉपिंग करने मत चले जाना, ठीक है, अभी आपको शॉपिंग करने के लिए नहीं बोला है। आप बिजनेस में अकाउंटेंट हो, आप बिजनेस कंपनी में बैठे हो, फर्म में बैठे हो, तो आप अकाउंटेंट हो, आप खर्च नहीं कर सकते पैसा, ठीक है, बिठा दिया है जिसमें पूरा पैसा भरा हुआ है, और आपसे बोला है भाई ये ले किताब, ये ले रजिस्टर ले, और जब भी यहां से पैसा बाहर की तरफ जाए तो लिख लेना, और जब भी पैसा अंदर की तरफ आए तो लिख देना, ठीक है। तो आपने पूछा इसके लिए मुझे कितना पैसा मिलेगा, वो कह रहा कुछ नहीं मिलेगा, जो तेरी सैलरी है बस वही, उसी में खुश रहे।
तो आपने भी भाई मुंह बनाया, ठीक है चलो सैलरी तो मिल रही है कम से कम, वो तो मिले, तो आप बैठ गए उस कमरे में जाके। अब आप क्या कर रहे हो, सिर्फ कैश अकाउंट बना रहे हो, ठीक है। तो आया थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर में एक इंसान आता है, थोड़ा सा पैसा ले जाता है, क्योंकि उसको सैलरी देनी थी, कमीशन देना था या और इलेक्ट्रिसिटी बिल देना था, तो आपने लिख लिया उसको कि पैसा गया। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है बक्सा भर के और पैसा अंदर डाल देता है, तो आपने लिख दिया कि वो जो पैसा आया था कहां से आया, वो सेल करके आया था, ठीक है। तो सामान की सेल करके आया, उसने पैसा जो आया था वो डाल दिया कमरे में, क्योंकि कैश का कमरा एक ही है पूरी कंपनी में, कैश का कमरा एक ही जगह रखा हुआ, समझ गए, ठीक है। तो आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया कि इतना पैसा आ गया मेरे पास। तो बेसिकली आप यहां पे क्या कर रहे हो स्टूडेंट्स, आपको बिठा दिया गया है सिर्फ कैश अकाउंट बनाने के लिए। तो जब आप कैश अकाउंट बनाओगे ना, तो कैश के कमरे में जाके बैठ जाना। जब आप और किसी का अकाउंट बनाओगे, सैलरी का अकाउंट बनाओगे, तो सैलरी वाले कमरे में बैठना पड़ेगा। भाई सैलरी वाला कमरा कैसा दिखता है वो तो हम आगे बात करेंगे, जब हम लेजर और ये सब अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, अच्छे से बताऊंगा आपको। तो बेसिकली आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आया अच्छे से और अकाउंट का मतलब समझ आया। मतलब जो भी एक हेड के अंदर आएगा वो आपको एक साथ लिख लेना है, चाहे वैसी 10 ट्रांजेक्शन हुई है, चाहे ऐसी 100 ट्रांजेक्शन हुई है। लेकिन अगर कैश कोई ऐसी ट्रांजेक्शन, चलिए एक और एग्जाम्पल लीजिए, मान लेते कैश के कमरे के अंदर ही बैठे हो अभी आप। अब क्या हुआ कि जो मालिक है उसने कहीं सामान बेचा उधार में, ठीक है, उसकी जान पहचान का कोई आदमी होगा, तो उसने सामान बेचा 50,000 रुपए का उधार में बेच दिया और बोला कि पैसे बाद में दे देना। क्या आपको इस बात का पता है? आप तो कैश वाले कमरे में बैठे हो ना, आपको तो इसका पता ही नहीं चला कब सामान चला गया 50,000 रुपए का, आपको तो इसका अंदाजा भी नहीं है, क्लियर। तो यहां पर क्या है, इस एंट्री को डालने की जरूरत ही नहीं कैश अकाउंट में। तो बहुत सोच समझ के एंट्री डालनी होती है, जो उस चीज से रिलेट करेगी बस वही एंट्री आपको डालनी है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर है, दूसरे में देखेंगे। इट रिकॉर्ड्स द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस विद देयर इफेक्ट्स एंड डायरेक्शन। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, मतलब अमाउंट तो होता ही है ना, जब आप रिकॉर्ड करोगे तो अमाउंट तो डालोगे, या कितनी ट्रांजेक्शन है वो भी डालोगे, अगर 10 ट्रांजेक्शन है तो 10 की 10 डालोगे। लेकिन सिर्फ अमाउंट डालने के लिए नहीं होता, बल्कि आप यह भी बताओगे कि उसका असर क्या हुआ, उन ट्रांजेक्शन्स का क्या असर हुआ। असर मतलब इसकी वजह से कैश जो है वो कम हुआ या ज्यादा हुआ, है ना, ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि कोई ट्रांजेक्शन हुई उसकी वजह से उस पे कैश पे क्या असर आया, कम हुआ भाई, या अगर कैश आया तो बढ़ा। और डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब भी इफेक्ट की तरह ही है, डायरेक्शन मतलब होता है प्लस या माइनस, और इफेक्ट बेसिकली डेबिट और क्रेडिट में देखा जाता है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा एग्जाम्पल करके। अब यहां पर कुछ अकाउंट्स देखते हैं, जैसे यहां पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं परचेज अकाउंट लिखा है, कैश अकाउंट लिखा है, सेल्स अकाउंट और बैंक अकाउंट, बहुत सारे और अकाउंट भी होते हैं, सैलरी अकाउंट, जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसका एक अकाउंट होगा ही होगा, लेकिन समझने के लिए ये 4 अकाउंट अभी काफी है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको, पहले जर्नल एंट्री करके दिखा रहा हूं और उसके बाद ये बताऊंगा कि अकाउंट जो होता है वो कैसे बनता है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ठीक है। मान लेते हैं सबसे पहले परचेज अकाउंट, ठीक है, चलिए आसान भाषा में ही करूंगा, जर्नल एंट्री हो सकता है अभी आपको क्लियर ना हो पाए तो वो तो मैं बाद में बताऊंगा। मान लेते हैं कि पहली जो ट्रांजेक्शन हुई है परचेज्ड गुड्स, ठीक है, परचेज गुड्स ऑन कैश ₹10,000, 10,000 रुपए का सामान खरीदा। अब स्टूडेंट्स यहां ये एंट्री जो है दो जगह जाएगी, क्योंकि डुअल एस्पेक्ट के हिसाब से जाएगी। तो सामान खरीदा तो जाहिर सी बात है स्टॉक जो था वो बढ़ गया और जो कैश था वो कम हो गया, पहली एंट्री। दूसरी परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे सामान लिया इस बार 20,000 रुपए का, ठीक है, सॉरी 20,000 रुपए का सामान लिया है उधार पे। अब क्या होगा, ये कहां पे जाएगा, स्टॉक अकाउंट तो बढ़ जाएगा क्योंकि सामान आया है, और क्रेडिटर, जो क्रेडिटर होगा, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। क्रेडिटर कौन होता है, जिसने हमको उधार दिया वो क्रेडिटर होता है, ठीक है। तो क्रेडिट, स्टॉक भी बढ़ गया और यहां पे क्रेडिटर बढ़ा है, लेकिन कैश पे कोई असर नहीं हुआ है,
आई होप ये चीज आपको क्लियर है। तीसरा, परचेज्ड मशीनरी फॉर 50,000, 50,000 रुपए की मशीनरी खरीदी, तो कहां कहां जाएगा स्टूडेंट्स? एक तो मशीनरी अकाउंट बढ़ेगा और कैश अकाउंट कम हो जाएगा। कैश में ही खरीदी, अगर कुछ नहीं दिया हो तो समझ लेना कैश में ही खरीदी। एक और एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद अकाउंट्स बनाएंगे। चौथी एंट्री बोलती है कि डिपॉजिट रुपीज 5,000 इन बैंक। तो हमारा बैंक अकाउंट चल रहा था, बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट चल रहा था, तो उसमें 5,000 रुपए मैंने बिजनेस के कैश डिपार्टमेंट से निकाल के अपनी बैंक में डलवा दिए। ऐसा भी करते हैं कभी कभी, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारा कैश पड़ा था जिसमें से मैं चाहता हूं कि 5,000 रुपए मैं अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में डलवा दूं, है बिजनेस का ही, पर्सनल नहीं है, क्लियर। तो ये चार ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें कौन कौन से अकाउंट बन सकते हैं। सो सबसे पहले तो मैं क्या बना रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन जो भाई सबको पसंद होता है। क्या पसंद होता है सबको? कैश पसंद होता है सबको, ठीक है। तो कैश अकाउंट अगर मैं बनाऊं, देखो स्टूडेंट्स कैश अकाउंट में क्या बनेगा, मान लेते हैं ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। मतलब जब जब कैश आएगा तो मैं यहां पे लिख दूंगा, जब जब कैश जाएगा वो यहां पे लिख दूंगा, कैश अकाउंट। लेकिन याद रखना सिर्फ कैश के हिसाब से चलना है हमको, ठीक है। पहली एंट्री लेते हैं, परचेज गुड्स ऑन कैश 10,000 रुपए, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स देख सकते हैं कैश गया, यहां पे माइनस में हुआ है कैश, ठीक है। कितना? 10,000 रुपए से माइनस हुआ है। अब एक और चीज भी तो लिखनी है स्टूडेंट्स यहां पे, कि मुझे कल को अगर मैं ये अकाउंट देखूंगा कैश अकाउंट, मान लो अगले साल या अगले दो साल बाद या पांच साल बाद जब मैं इस अकाउंट को देखूंगा, तो मुझे ये कैसे पता लगेगा कि ये 10,000 रुपए कहां गया था? तो कुछ तो डालना पड़ेगा ना मुझे, है ना, कुछ तो डालना पड़ेगा। तो क्या मैं यहां पर कैश लिख दूं? अगर मैं कैश 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 अकाउंट में सिर्फ कैश 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 ही लिखता रहूंगा तो मुझे कहां से याद आएगा? देखो कंफ्यूज हो जाऊंगा, भाई ये तो हर जगह कैश लिखा हुआ है। तो याद रखना स्टूडेंट्स एक ये रूल भी होता है कि जिस चीज का आप अकाउंट बना रहे होते हो ना, उस चीज का नाम उसके अकाउंट के अंदर कहीं नहीं दिखना चाहिए। ये चीज भी याद रख लो, ये आगे काम आएगी। क्यों? अगर वही चीज का आप नाम लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये चीज पे असर किस वजह से आया था। तो बेसिकली यहां पर स्टूडेंट्स आपको ये बताना चाहता हूं, यहां पे आप लिख देना परचेज, ठीक है, परचेज की वजह से हुआ था 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 रुपए हमारा चला गया था। अगला बढ़ते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 रुपए, स्टॉक अकाउंट बढ़ा, क्रेडिटर अकाउंट बढ़ा। क्या यहां पे कैश पे कोई फर्क आया? कैश वाला बंदा कह रहा है कि नहीं भाई मेरे को तो पता ही नहीं चला, मेरे को तो खबर ही नहीं होने दी, ठीक है, सामान उठा के ले गए, मैं तो जब बाहर निकला जी तब पता लगा कि सामान जा चुका है, तो कैश वाले को तो कोई खबर ही नहीं हुई, ठीक है। तो ये वाली एंट्री जो है वो कैश अकाउंट में नहीं आएगी। परचेज मशीनरी फॉर 50,000, यहां पर देखो स्टूडेंट्स यहां पे कैश गया है और किस नाम से लिखूंगा? भाई मशीनरी खरीदी है 50,000 रुपए की, तो मैंने मशीनरी नाम यहां पे डाला इस बार, ताकि मुझे याद रहे कि जब कैश गया था तो किस नाम से गया था, मशीनरी खरीदी होगी इसलिए 50,000 रुपए डाला था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डिपॉजिटेड रुपीज 5,000 इन बैंक। अच्छा इसका मैंने ये अकाउंट तो लिखे ही नहीं, तो याद रखना स्टूडेंट्स ऐसी जब एंट्री आएगी तो बैंक अकाउंट हमारा बढ़ जाएगा और कैश अकाउंट जो है वो हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि कैश हमने बैंक में जमा करा दिया, तो ये भी आनी चाहिए बिल्कुल। चलो अच्छा यहां पर क्या डालूंगा, यहां पे बैंक डालूंगा 5,000 रुपए, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा यहां पे कोई और ऐसी एंट्री होती, मान लो हम सेल्स करते तो सेल्स की वजह से कैश आता तो उसका अमाउंट हम यहां भी डालते। हालांकि मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल लिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ जाना कि यहां पर तब आएगा जब हमारे पास कैश आएगा किसी में किसी वजह से, इतना क्लियर। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप इसको टोटल कर दो तो आपका कैश अकाउंट बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं कैश अकाउंट। सिर्फ कैश की बात बताएगा ये आपको, और ये बताएगा कि कैश जो एक हेड था, इसमें हेड क्या हो गया, कैश हो गया, उसकी ट्रांजैक्शन कितनी बार हुई है और अमाउंट क्या क्या है और उसका इफेक्ट एंड डायरेक्शन क्या है, कम हुई है या बढ़ी है। और अकाउंट बना लेते हैं, एक स्टॉक का अकाउंट भी बना लेते हैं। चलिए स्टॉक वाला, जो स्टॉक का अकाउंट है ध्यान से समझिएगा, स्टॉक जब भी आएगा प्लस कर देना,
अगर जाएगा तो माइनस कर देना। अब यहाँ देखो परचेज गुड्स ऑन कैश, तो स्टॉक यहाँ पे बढ़ा है और किसकी वजह से बढ़ा है, कैश है ना, यहाँ पर तो कैश आएगा ना स्टूडेंट्स। देखिए स्टॉक का नाम तो आ नहीं सकता, तो कैश आएगा और जिसकी वजह से प्लस में आ गया कितना 10,000 रुपये। तो स्टॉक अकाउंट में आप डालना कि कैश में खरीदा था तब जाके 10,000 रुपये का स्टॉक हमारे पास बढ़ गया था, ठीक है, कैश में खरीदा था। तो इससे कम से कम अगर मैं कल को स्टॉक का अकाउंट देखूंगा तो मुझे ये पता लगेगा कि ये जो स्टॉक था मैंने उधार में लिया या कैश में लिया। नेक्स्ट करते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो 20,000 रुपये तो यहां पर भाई सामान तो बढ़ा ही है ना, तो इसी तरफ डालूंगा मैं प्लस वाली साइड, और क्रेडिट 20,000। अब इसको देख के मुझे ये याद आ जाएगा कि मैंने उधार में सामान लिया था। उसके अलावा और कोई स्टॉक है, स्टॉक में कोई और एंट्री नहीं आ सकती, तो इसको यहीं पे टोटल करके स्टॉक अकाउंट कंप्लीट कर देना। अब ये टोटल वगैरह जो होगा वो तो आगे की क्लासेस में आएगा, लेकिन मेन मतलब आपको बस ये समझना है कि हर चीज का अकाउंट बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। चलो फिलहाल और देख लेते हैं, एक और अकाउंट बना देता हूं। मान लेते हैं मैंने एक मशीन का अकाउंट भी बनाना है, ठीक है, मशीन का अकाउंट, मशीनरी का अकाउंट प्लस माइनस। तो यहां पर क्या हुआ है, देखो ऊपर वाली एंट्री तो आएगी नहीं मशीन में, कोई मतलब नहीं है, नीचे सेकंड वाली एंट्री भी नहीं आएगी, कोई मतलब नहीं है, थर्ड वाली एंट्री देखेंगे मशीनरी, बिल्कुल ये वाली आएगी, और क्योंकि मशीनरी लेके आए हैं तो प्लस होगा, और किस नाम से, कैश के नाम से प्लस करना 50,000, क्योंकि जो मशीनरी आई है वो कैश में आई है, क्रेडिट में नहीं आई, क्लियर। तो अब इसमें इसके अलावा चौथी वाली एंट्री भी नहीं आएगी क्योंकि उसमें मशीनरी नहीं दी हुई है। सो यहां पर ये वाला जो अकाउंट है वो टोटल हो जाएगा, बस उसमें एक ही एंट्री आपको दिखानी है, ज्यादा नहीं है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसको बोलते हैं अकाउंट, बैंक का अकाउंट आप बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली एंट्री दिखाएंगे, और बैंक में क्योंकि पैसा बढ़ रहा है तो प्लस वाली साइड में आपको क्या लिखना होगा, कैश अकाउंट करके 5,000 रुपये लिखना होगा। तो इस तरह से सभी तरह के अकाउंट्स बनते हैं और सभी तरह के हेड को अलग अलग कर दिया जाता है, और उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होती है स्टूडेंट्स वो उसी अकाउंट में डाली जाती है। और ये क्यों किया जाता है, इससे क्या मदद मिलती है कि कल को अगर मुझे कोई अकाउंट देखना है, कोई स्पेसिफिक अकाउंट देखना है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि कल को कोई आदमी आता है जिसने मुझे सामान बेचा था, देखिए चलिए 20,000 रुपये का जो सामान मैंने लिया था है ना, 20,000 रुपये का सामान मैंने लिया था उधार पे। अब ये आदमी 6 महीने बाद आता है, बोलता है कि भैया 30,000 रुपये दे दो। मैंने कहा 30,000 रुपये कौन से भाई, तो वो कहेगा आपने जो सामान लिया था वो 30,000 रुपये का था ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं मुझे तो याद है कि 20,000 रुपये का था, लेकिन मैं भी कंफ्यूज हूं क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं इस बात को। तो मैंने क्या किया, जल्दी से स्टॉक वाला रजिस्टर मंगवाया जिसमें स्टॉक अकाउंट के बारे में सब कुछ लिखा था, और जल्दी से वो डेट निकाली और उसको दिखा दी, ये ले भाई सबूत है मेरे पास, तेरे नाम का बिल भी है मेरे पास, और ये 20,000 रुपये की ट्रांजेक्शन हुई थी, 30,000 की नहीं हुई थी। तो वो मान जाएगा बड़ी जल्दी, क्यों, क्योंकि मैंने उसको सबूत भी दिखा दिया प्लस ट्रांजेक्शन भी दिखा दी कितने अमाउंट की हुई थी। सो स्टूडेंट्स इसीलिए अगर मान लेते हैं कि मैंने सभी ट्रांजैक्शन को एक ही जगह रिकॉर्ड कर दिया होता, मतलब बहुत हॉच पॉच कर दिया होता, तो क्या होता, एक तो रजिस्टर ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है ना, और ऊपर से जब ये ट्रांजैक्शन देख रहा होता तो मुझे याद ही नहीं रहता कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन थी, कहने का मतलब ये क्रेडिट की थी, कैश की थी, कितना अमाउंट था, तो बहुत टाइम लग जाता, टाइम मेरा काफी वेस्ट होता वहां पे। तो इसीलिए हर चीज के अकाउंट अलग अलग बना दिए जाते हैं स्टूडेंट्स, जिससे टाइम बचे, मेहनत बचे, और अगर आपको आप मतलब कुछ याद करने की जरूरत पड़े तो वो भी आपको बड़े आराम से याद आ जाए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो स्टूडेंट्स, क्लियर। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हैं अकाउंट्स के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म करते हैं हमारी ये क्लास। आई होप इस क्लास में बताए गए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स का टॉपिक 3 लेके आऊंगा और उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।